हलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड का यूनिट थर्ड जिसमें हम देखेंगे कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स के बारे में तो गाइस फार्माकोलॉजी में हमने कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसका वीडियो जरूर देख लीजिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो गाइस आइए स्टार्ट करते हूँ अपने टॉपिक को तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स गाइस कोगुलेंट्स कोगुलेंट्स आर द ड्रग दैट प्रमोट कोगुलेशन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग दे आर आल्सो नोन एज हिमो स्टैटिक एजेंट तो कोगुलेंट्स एक ऐसा ड्रग है जो कि कोगुलेशन को प्रमोट करता है एंड ब्लड के ब्ली मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है तो यह है कोगुलेंट्स इसको हम हीमोस्टैटिक भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को मतलब ब्लीडिंग को uh, रोक देता है देन अब है एंटीकोगुलेंट्स तो एंटीकोगुलेंट्स एक ऐसा एजेंट है जो कि uh, जो ब्लड की कोगुलेशन होती है उसको प्रिवेंट कर देता है दे एक्ट बाय अदर इनिबिट द एक्शन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर तो ये कोगुलेशन फैक्टर के एक्शन को इनिबिट करके अपना इफेक्ट शो करता है एंड जो कोगुलेशन फैक्टर होती है उसके सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करके अपना इफेक्ट शो करता है तो यह है एंटी ड्रग तो अब हम देखेंगे सार ऑफ वारफरीन तो इस यह है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वारफरीन तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सा जो है ग्रुप प्रेजेंट है तो उसी के बेस पे हम इसका सार स्टडी करेंगे तो सबसे पहले है यहाँ पर रिंग तो कॉमेरिनंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एंटी कॉगुलेंस एक्टिविटी के लिए एंड सेकेंड है हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एरोमेटिक च एंड कीटोन चैन तो ये सारे ग्रुप जो है वो इस वार्फर रिंग में प्रेजेंट होते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं सार ऑफ वार्फरिन स्टडी ऑन फॉलोइंग बेसिस तो हम वारफरिन को सार को कॉमेर रिंग एरोमेटिक च कीटोन ग्रुप कीटोन चैन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे इसके सार को हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमेरी रिंग तो कॉमेरी रिंग जो होती है वो एंटी इफेक्ट के लिए इसेंशियल होती है तो अगर हम इस रिंग को यहाँ से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट होता है और इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है पोजिशन थ्री एंड फोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिफरेंट एक्टिव डेरीवेटिवस तो आप इस स्ट्रक्चर में देखिए तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन है वो अदर एक्टिव डेरिवेटिव्स के जो जो भी सिंथेसिस होती है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है देन सेकेंड है एरोमेटिक रिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट तो ये एरोमेटिक रिंग है जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंटी कोगोलेंट इफेक्ट के लिए रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप में डिक्रीज द एक्टिविटी तो अगर हम इस ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है दैन थर्ड है कीटोन चैन तो कीटोन चैन में प्रोड्यूस पोटेंट कंपाउंड एंड इट मे बी रिप्लेस विथ एल्काइल ग्रुप सो प्रोड्यूस लेस पोटेंट कंपाउंड तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कीटोन चेन जो है वो प्रेजेंट है तो ये एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल एल्काल ग्रुप से तो ये हमको लेस पोटेंट कंपाउंड देता है देन फोर है हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप एट पोजिशन फोर ऑफ रिंग इज इसशियल फॉर एक्टिविटी तो इस रिंग में जो फोर्थ पोजिशन होती है उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसकी एक्टिविटी के लिए ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस ग्रुप वारफरीन इज वीकली एसिडिक एंड आल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस सोडियम सॉल्ट ऑफ ड्रग तो इसी ग्रुप के प्रेजेंट के कारण ये जो वारफरीन होती है वो एसिडिक नेचर की होती है और सॉल्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है तो इस ये था सार ऑफ वारफरीन तो अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ वारफरीन तो अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ वारफरिन तो वारफरिन जो है वो ओरल एंटीकोगुलेंट्स एजेंट होता है जो कि विटामिन के एपोक्साइड की एक्टिविटी को इनहिबिट करके अपनी एक्टिविटी को शो करता है तो ऐसा यह है इसका स्ट्रक्चर वार्फरिन का जिसका हमने अभी सारा डिस्कस किया था तो इसका आई यू पी नेम है फोर हाइड्रोक्सी थ्री थ्री ऑक्सो वन फेनाइल ब्यूटाइल क्रोमेन टू ऑन तो ये है इसका आई पी एस सी नेम जो कि इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको किया है देन अब हम देखते हैं इसका सिंथेसिस स्टेप तो कॉमेर सॉरी वार्फरिन जो है वो इसको सिंथेसिस होने के लिए टू स्टेप जो है वो रिक्वायर होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इसमें फोर हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन का फॉर्मेशन होता है देन फोर हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन का हम माइकल एडिशन करते हैं बेंजोन बेंजोलेक्ट्रॉन benzo के साथ तो जब हम बेंजोलेक्ट्रॉन और फोर हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन का जब माइकल एडिशन करेंगे तो हमको अपना फाइनल प्रोडक्ट वारफरीन जो है वो ऑप्टेन हो जाता है तो अब हम इसको देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से तो सबसे पहले हम वारफरीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं एज अ प्रिकर्सर मेथाइल सेलिसलेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइट तो ये है मेथाइल सेलिसलेट का स्ट्रक्चर एंड ये है एसिटिक एन तो आप जो है इसके सिंथेसिस के लिए जो ये दोनों स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसी से हमारा फाइनल प्रोडक्ट वार्फिन जो है वो सिंथेसाइज होगा तो सबसे पहले जब हम इसको इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक सी एस थ्री सी ओ एच मीन्स एसीटिक एसिड जो है वो रिमूव होगा और हमको मिलेगा एसिटाइल मेथाइल सेलिसलेट तो ये रिएक्शन कैसे होता है इसको हम देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा मेथाइल सेलिसलेट में यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड का सी एस थ्री सी ओ एच जो है आपस में रिएक्ट करके एसिटिक एसिड के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो फिर ये जो है सी ओ एंड सी एस थ्री जो है इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कि जो यहाँ पे था एक हाइड्रोजन उसके प्लेस पे जो है सी एच सी एच सॉरी सी डबल वन ओ एंड सी एस थ्री जो है यहाँ पे ऐड हो गया है तो जब हमने इसको रिएक्शन कराया तो हमको ये जो है प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ देन फर्दर अब हम इसका क्या करेंगे साइकलाइजेशन कराएंगे तो जब हम इसका साइकिलइजेशन कराते हैं ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पे तो यहाँ से मेथेनॉल जो है वो रिमूव होता है तो मेथेनॉल रिमूव होगा मतलब यहाँ से सी एस थ्री एंड ऑक्सीजन एंड यहाँ से सी एस थ्री से एक हाइड्रोजन जो है आपस में रिएक्ट करके मेथेनॉल के फॉर्म में जब रिमूव होगा तो हमको एक कीटो फॉर्म जो है वो ऑप्टेन होता है तो जब हम फिर इस क्या करेंगे इस कीटो फॉर्म का आइसोमेराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा फोर हाइड्रोक्सी कॉमेरिन तो इसी तरह से ये स्टेप वन में हमको फोर हाइड्रोक्सिक्योमेरिन जो है वो ऑप्टेन हो गया है अब हम इस फोर हाइड्रोक्सिकोमेरिन को बेंजोल एलेक्ट्रॉन के साथ इसका एडिशन कराएंगे माइकल एडिशन तो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट वारफेरिन जो है वो ऑप्टेन होगा देन है हमारा सेकेंड स्टेप माइकल एडिशन तो हम फोर हाइड्रोक्सिक्योमेरिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से एक एस जो है वो रिमूव होता है तो इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक ओ एच एन यहाँ से फोर हाइड्रोक्सीकोमेरिन से एक ऐज जो है वो आपस में रिएक्ट करके एस टू ओ के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो हमको एक इंटरमीडिएट जो है वो ऑप्टेन होता है तो हम इसमें बेंजोलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वारफरीन वो ऑप्टेन हो जाएगा गाइस तो इसी तरह से वारफरीन का सिंथेसिस जो है वो किया जाता है गाइस तो ये सिंथेसिस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ़ एक्शन तो इस वार्फ्रीन जो है वो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस की एक्टिविटी को रोक देता है जिसके कारण विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर का सिंथेसिस नहीं हो पाता है जिसके कारण कोगुलेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन तो ये यह यहाँ पे अपना इफेक्ट शो करेगा इस विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस की एक्टिविटी को रोक देगा जिसके कारण विटामिन के हाइड्रोक्विनोन जो है वो सिंथेसाइज़ नहीं होगा जिसके कारण यहाँ पे फर्दर डी कार्बोक्साइल प्रोथ्रामबिन जो है उसका एक्टिवेशन नहीं होगा इसके कारण ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसी तरह से जो कोगुलेशन है वो प्रिवेंट हो जाती है तो ऐसा ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ पार्फरिंग तो ऐसा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरिस है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ थैंक यू